हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ मिक्स भजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैं मेथी के भजिए, भरे हुए मिर्च के भजिए, आलू की कतरी के भजिए और कच्चे केले की भजिए की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। भजिए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बेसन का आटा लिया है। आप कोई भी बेसन का आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा अजवाइन हथेलियों में लेके मसल के इसमें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार कर लेंगे। हाथों की मदद से पानी डालते हुए हम बैटर तैयार करेंगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का हम बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्स भजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू की कतरे ली है, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए कच्चे केले लिए हैं, मिर्च लिए हैं हरे, और कच्चे केले को मैंने इस तरह से मसाले से भर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बेसन के आटे को भून कर उसमें सभी मसाले ऐड करके मसाला तैयार किया है। ये मसाला मैंने हरी मिर्च में भी भर दिया है। तो यहाँ मैं हरी मिर्च के भी भजिए बनाऊंगी। हरी मिर्च में भी बेसन के आटे का ही मसाला तैयार करके भर दिया है। इस तरह का मसाला बना के मैंने सभी चीज़ों में भरा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम कच्चे केले को बैटर में डाल के इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। भरी हुई मिर्च को भी बेसन से हम इस तरह से कोट करके फ्राई कर लेंगे। सभी साइडों से उलट पुलट करके हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो भजिए बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आलू की कतरी की भजिए बनाएंगे तो उसे भी इस तरह से कोट करके हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इसे भी उलट पुलट करके दोनों साइड से पका लेंगे। अब कच्चे केले को भी बेसन का इस तरह से कोट लगाकर इसे फ्राई कर लेंगे। ये सब भजिए खाने में एकदम टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। इसे सॉस, चटनी या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। फ्राई होके भजिए तैयार हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से भरी हुई मिर्च को भी बेसन से कोट करके फ्राई कर लेंगे। उलट पुलट करके सभी साइड से इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे भी मसाले वाले भरे हुए मिर्च के भजिए बनके तैयार हो गए हैं। तो एकदम टेस्टी भरे हुए मिर्च के भजिए बनके तैयार हो गए हैं। साथ में थोड़े से मेथी के भजिए भी बना लेंगे। उसे भी उलट पुलट करके दोनों साइड से बहुत ही अच्छी तरह से पका लेंगे। तो एकदम टेस्टी, हेल्दी, मज़ेदार से काठियावाड़ी भजिए बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये मेरी भजिए की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।